तो दोस्तों ये साड़ी थे मेरे पास नया, तो हम सोच रहे थे इसको सावन में पहने, बट इसमें फल नहीं लगा पाए कि सावन में हम पहन ले, बट अब सोच रहे कि नहीं रक्षाबंधन में पहन ले, और फल लगा रहे थे फल से तो यहाँ लग रहा था। कृति सोई थी, कृष भी मेरा सोया था, तो सोची चलो यहाँ फटाफट अपना काम सारा जल्दी कर लिए थे, क्योंकि हमको पता था कि ये साड़ी में लगाना है ऐसे, तो यहाँ जल्दी से काम ख़त्म कर लिए थे और बैठ गए थे। फिर ये भी था कि आप लोग से बातें भी करना था, सोचे नहीं पहले फॉल्स लगाएंगे फिर आप लोग से भी बातें करेंगे, तो यहाँ अपना फॉल्स लगाने लगे, क्योंकि रक्षाबंधन कल ही है और ये आज का वीडियो है 29 तारीख को। अगर ये 30 को जाएगा, क्योंकि एडिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और देख रही है काफ़ी खूबसूरत साड़ी है और ग्रीन भी है, बहुत सुंदर लगा, और इसका ब्लाउज तो बहुत बहुत ही सुंदर बनाए हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे अगर होगा देखना तो बहुत डिजाइन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी को निशी फैमिली में स्वागत है। और दोस्तों इसका जो साड़ी अभी आप लोग देखी, फॉल लगाना है, तो ये हम सोच रहे रक्षाबंधन को पहनने के लिए, ऐसे तो मेरे भाई आए ही नहीं राखी में, आते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट दोस्तों बट क्या कर सकते हैं, इतने दूर है कि मतलब हाँ बिहार और हरिद्वार का चलिए 5-6 लास्टली 10 घंटा के भी रास्ता रहे तो कोई आ सकता है, पर काफ़ी दूर है, और उन लोग का भी मेरे भाई लोग का भी कुछ प्रॉब्लम भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई, तो दोस्तों उन लोग नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं पर कह रहे हैं कि अभी क्या आए जाएँ, मेरे को बोल रहे थे आ जाओ, बट हम घर जाने वाले थे और मेरा क्रिस के वजह से मतलब पेपर था मेरा बेटा के, इस वजह से हम नहीं जा पाए, जाते तो सोचे थे रक्षाबंधन बाद ही आएंगे, रक्षाबंधन करके आएंगे, बट नहीं गए जा पाए। और राखी को तो हर मतलब हर बहन को हर भाई को भी लगता है, काश मेरी बहन मेरे पास होती है, हर बहन को भी लगता है काश आज के दिन मेरा भाई मेरे पास होता, चाहे हम उसके पास रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, और काफ़ी खुशी होती मेरे को कि मेरा भाई, क्योंकि पिछले साल तो मेरा भाई मेरे पास आया था, और देखिए आप लोग कितने अच्छे से हम लोग राखी बांधे, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा 3 भाई है, चलिए मेरी बहन है अभी हुए बांध दे रही है, तो उन लोग को उतना नहीं अकलेगा बहन का, क्योंकि एक बहन है ना तो बांध देगी पास में, उसका भी शादी नहीं हुआ, मेरी छोटी बहन को तो हुए बांधती है अभी भाई को, तो वहीं बांधेगी। यार मैं तो राखी भी नहीं भेज पाई, बोली कि क्या भेजोगी, चलो हम हैं तो हम बांध देंगे, बोले चलो कोई बात नहीं बांध दो, जब तक हो तब तक तुम बांधो, नहीं रहोगे तो फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, तो जा भी सकते हैं, क्योंकि उस समय रहेगा कि हाँ अरे मेरे भाई के कलाई में राखी नहीं रहेगा, तो ऐसे होती है, बहन को भी शान रहता है भाई का, भाई लोग को भी शान होता है बहन का, कुछ भी होता है मेरा भाई है ये हो जाएगा मेरा भाई, तो देखिए हर किसी को रहता है कि हाँ मतलब, और दिन तो नहीं पता चले भाई बहन का, बट रक्षाबंधन आए तो उस दिन तो होता ही है, ये नहीं है ना कि गिफ्ट लेना चाहिए लेना, राखी एक बंधन होता है ना, कि एक धागा भी भाई के बांध दो ना तो वह भी बहुत बड़ा होती है, और जब तक कुआ रहो तब तक तो आदमी फर्ज निभाता ही है और नखरा दिखाता ही है कि भाई तुम ये दोगे तो राखी बांधूंगी, ये दोगे तो राखी बांधूंगी, ये गिफ्ट चाहिए, बट वही होता है ना शादी के बाद, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा लड़कियाँ समझदार होती हैं, जब तक कुंवार रहती है तो लगता है अरे ये है वे है, और जहाँ शादी होता है तो हर किसी के है, ये नहीं कि एक ही पे सब लोग समझदार हो जाते हैं। तो दोस्तों कोई आ गया था अभी मेरे पास, कहाँ भाई के राखी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, मेरा तो राखी मतलब आपके नहीं होगा, पर यहाँ क्रिस और कृति का राखी है, स्पेशल राखी होगा ना बेटा। हाँ? और कोई 30 को बोल रहा है, कोई 31 को बोल रहा है, ऐसे 30 को ही मतलब 7:30 बजे तक ले रहेगा, मैं 30 को नहीं 31 को ही मनाऊंगी। मम्मी मैं पोएम सुना दूँ? हाँ सुना दो। गाइड लोग जो तुम्हारा इच्छा बोलो, मैं गाने सुना दूँ क्या? हाँ सुनाओ गाने, सुनाओ तुम्हारा जो चमन करे गाना, तो गाना क्रिस यहाँ बोल रहे गाना सुनाओ की पोयम, तो चलिए इसका पहले सुन लीजिए, और क्रिस और कृति का स्पेशल रक्षाबंधन बोलो गाना सुना, रक्षाबंधन आता है, जान प्यारी होता है,
जान भी आ रही होता है तो भाग निकलो बच्चों की तो वो गला गाना लगा। या आप क्रिस मेरा ट्यूशन उस समय गया था पर कोई आ गया था, अब क्रिस मेरे को बाप नहीं करने देगा। चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि किस दिन मना रही हैं, 30 को या 31 को। मैं तो 30 को नहीं 31 को। हाँ सुनाओ कृति और क्रिस के स्पेशल राखी। हाँ हाँ राखी वाला सुनाओ। नहीं ओ भैया मेरे राखी को बंधन को। अच्छा सुनाओ तुम जो मन करे जो इच्छा है सुनाओ। बैठो बैठो कृति यहाँ रो रही। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और हर भाई हर बहन अपने भाई को राखी बांधे और गिफ्ट भी ले, और ये नहीं है कि नहीं गिफ्ट नहीं दे तो भाई को, मतलब ये होता है हर बहन को, पर हर भाई भी चाहता है ना कि अपनी बहन को गिफ्ट दे, देना ही चाहिए। और क्रिस मेरा क्या गिफ्ट देगा अपनी बहन को, क्या देगा? अच्छा पापा लाएंगे। हाँ तो हम बोल दिए हैं इसके पापा से कि गिफ्ट लेते आइएगा क्रिस को, क्योंकि देगा गिफ्ट। और क्यों ये कह रहा है ना, कृति मेरे को भी गिफ्ट देगी ना बेटा, जब ये मुझे नहीं। तो सुनो ये ना गिफ्ट राखी ना भाई बहन गिफ्ट भाई देता है बहन को गिफ्ट, कृति भी मेरे को देगी ऐसे बोलता है इसका भी नहीं। अरे भाई कृति को गिफ्ट मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगी बेटा? क्या कौन मारा भैया आंसू नहीं आ रहा, इतना रोती है लगता है कितना मार खाई है कृति। ये देखिए नेल पेंट ये सब लगाई है, नेल पेंट है मेरा, नेल पेंट खुद से नेल भी की रंगी है, देखिए कैसे दिखा, देखिए ये हरकत करती है, देखिए इसको बस मिलना चाहिए, देखिए खुद से कैसे रंगी है, देख रही है ना आप लोग इसका। अब चलिए ऐसे रंग ली, इतना दिमाग है कि हमको यहाँ रंगना है, ऐसे रंगना है, बहुत चतुर है। नहीं कृति ये तो कही उसको फोड़ी नहीं सीसी को, देखिए मेरा हाँ उंगली देख रही है कृति वहाँ है सर के। क्या हुआ? हाँ रंगना है, तुम रंग लियो दिखा दो, देखिए रंगी होता ऐसे करो ऐसे करो ऐसे ऐसे, देख लीजिए बोलो, देख लीजिए रंगे हैं। हाँ चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा प्लीज प्लीज दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर भाई बहन का हैप्पी हार्ट किसी को लिए हैप्पी रक्षाबंधन, हाथ जितने मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं सबके लिए हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय दोस्तों।